एक बार वह जहर खिलाई थी, जैसे अभी एक भी बच्चा नहीं था पेट में, तो उस समय उनको नहीं मालूम था, हम उन सबको मालूम था कि शायद इसका बच्चा है, तो सब मारने की कोशिश किए, तो जहर तो खा ली थी, तो कहा लेकिन हम डॉक्टरी में समय से पहुंच गए और हमारा बच्चा भी बच गया, हम भी बच गए, लेकिन ये भी हम पहुंचे नहीं होते, हम अपने ससुर यहाँ पर नैहर में फोन किए चोरी छिपे, किसी का मोबाइल जंगला राही मंगवाए, और तब चोरी छुपे हम फोन किए, उसके बाद हमारे घर वाले लोग पहुंचे बचे, नहीं तो अगर आधा घंटा और लेट हुआ होता तो हमारा बच्चा भी खत्म हो गया होता है। वो जो सब्जी में मिला के, सब्जी में जो छिड़काव होता है खेत वाला जहर, वही था। और साग था, चौराई का साग था, गर्मी का दिन था ना, हाँ चौराई का साग था, उसी में जहर मिला के इनको खिलाया गया था। रोटी था, साग था, ये कटोरी में रखी थी, वो चीज़ हम लोगों ने पॉलिथीन में करके DNA टेस्ट के लिए जो होता है सदर हॉस्पिटल हम लोग गए थे, सदर से रेफर किया मेडिकल गए, तो मेडिकल में 4 दिन एडमिट थी। हम लोगों ने उसको एक मौका, एक चांस दिया कि बच्चा रह गया है, उस समय पता चला हम लोग कि ये प्रेग्नेंट है। हम लोग सोचे कि बच्चा रह गया है, हो सकता है अब सुधर जाएगा, अब नहीं मारेगा, अब नहीं पीटेगा, अब बच्चियों का बार बार शादी तो होता नहीं है, यही होता है कि एक दो मौका दिया जाता है कि वो सुधर जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बाबू होने के बाद 2-3 बच्चा इसकी सास जो है दवा खिला के गिरवा दी, नुकसान करवा दी। जितनी बार वहाँ ये रहती थी, बच्चा जब होने को रहता था तो पता नहीं क्या होता था, बच्चा गिर जाता था, मतलब बच्चा नुकसान हो जाता था, मर जाता, पेट में ही बच्चा मर जाता था। खाने और वही क्या मिला देती थी, और उसका दिया हुआ हम जो भी कुछ खाते थे, 2 दिन के बाद बच्चा नुकसान हो जाता था। नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव। हम गोरखप्रिया भौजी, गोर छुके गोर लागत नहीं, वेलकम बराव लोग के न्यू ब्लॉग में। सबसे पहले गुड मॉर्निंग। और आज हमार महादेव जी बड़ा दुखी में बाना और रोवता ना, तो चली उनके लगे चलता नहीं, पूछा नहीं काहे रोवता ना। हाय देखी काहे रोवत रहो, तो यहाँ देखी आप लोग हमार महादेव जी रोवता ना, आप लोग देख सकीला काहे रोवत रहो, हसीन है। बहुत भारी नौटंकी है, बहुत भारी। मेरा रू को सही से रोट खाना नहीं ला रही है, बताइए आप लोग, खाना उना नहीं मिली, आदमी रोई ना है। तब बस खेते में देखी काम करते, देख ली खेते में, तब बस काम करते ही। और देखिए हमारे कुदाल ले खड़ा हुआ ना, कुदरिया था, देखिए कुदार, अच्छा वो कैमरा ले लेवा ना, तो ऐसा कोई बात नहीं है, कुदार भी है और कैमरा भी है। शूट चल रहा है गाने का, बहुत अच्छा गाना आ रहा है, लेकिन मेरे नहीं दूसरे चैनल से आएगा। और आप लोग बने रहिए इस ब्लॉग में, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। और अभी घर वाला हूँ, और घर पे चल के आप लोग से मिलवाएंगे सरोज से, घर पे चल के भी रोने वाला हूँ, घर पे चल रो रहा हूँ भाई। कैसा सूट मिला हमको, हमको हीरो वाला सुनने सीन नहीं मिलेगा का? अरे हीरो ही लोग तो रोते है, आज के हीरो तो यही है ना, हो रोना भाई हीरो। यहाँ देखिए हमारे हीरो हमारे भैया है, और आज की DOP हम है, और हीरोइन भाभी है, दतखोड़ी भाभी। तो आप लोग बनल रहिए ब्लॉग में, अभी हम लोग घर पे चलेंगे तो सरोज से मिलवाएंगे। तो हाय फ्रेंड, देखिए अभी हम लोग आ गए हैं सरोज के पास, और कैसी हो सरोज? अच्छे हैं हम, ठीक है, आप लोग ठीक हैं? बढ़िया ही होंगे, ठीक होंगे तो हम भी ठीक हैं। अब और क्या बोल, आप लोग अपना बताइए कैसे हैं, वीडियो कैसा लगा पूछो, वीडियो मेरा कैसा लगा, और अब अच्छा लगा हो तो बताइए, अच्छा, और गाना गाना ना भी कैसा लगा है कैसा नहीं। अब तो आप लोग की तरह अच्छा गाना नहीं ना हम गा सकते हैं, आप लोग अच्छा गाना गाते हैं। नहीं नहीं जी, तुमको सब बहुत कह रहे हैं कि सरोज बहुत अच्छा गाना गाती हैं, गाने में बहुत दर्द था, सच्चाई था ना गाने में। तो सरोज आज से अपनी स्टोरी बताएंगे कि कैसे क्या क्या इनके साथ हुआ था, क्या क्या लोग किए थे, और सारी चीज़ें जब पूरा मतलब पब्लिश हो जाएंगी। तो सरोज बोली है कि भाभी जी और मैं, मेरे साथ जो भी हुआ सब कुछ इसको याद आ गया है, और आप लोग से मैं बोल दूं, आप लोग कह रहे हैं कमेंट में कि सरोज आप उसका फ़ोन मत उठाओ, तो मैं आपसे बता दूँ कि सरोज के दिल में इतना डर बैठ गया है कि उसका जैसे ही नंबर देखती है, जैसे फ़ोन आता है, काट ही नहीं पाती है, तुरंत उठा लेती है। ऐसा क्यों सरोज? सोचते हैं अभी वो घर पहुँचा आ जाए कोई, इसको उसका दिमाग बहुत एल्टर है, पागल है ना, एल्टर दिमाग का है, थोड़ा हाफ दिमाग का उसका दिमाग लगता है, तो घर आ जाएगा तो बेइज्जत का धंधा बना, उल्टा सीधा कहने लगेगा, उसको तो कोई इज्जत का परवाह नहीं है।
इसीलिए हम उसका फोन उठा लेते हैं कि कहीं आकर हमको पहले की तरह पीटने न लगे। अब पहले की तरह तुमको पीट पाएगा, उसका मुँह हमारा नहीं नोचलेंगे, क्योंकि दो चार बार हो गया, कोई नहीं था घर पर, पीट कर चला गया था, इसीलिए वही सोच कर हम उठा लेते हैं। देखिए आप लोगों ने कई बार कहा कि भाभी जी कंप्लेन करिए, उसके खिलाफ ये करिए, हम सोच रहे हैं कि सरोज पूरी अच्छी तरह से ठीक हो जाए फिर हम लोग कंप्लेन करेंगे, छुट्टी छुट्टा तलाक भी करवाएंगे, और खुद ये बोलिए कि भाभी जी अब हम उससे तलाक ले लेंगे तो हम लोग तलाक भी करवा देंगे और अच्छे से मतलब सब कुछ होगा, बस इसका थोड़ा सा दिमाग जो है थोड़ा थोड़ा रह रह के कभी कभी डिस्टर्ब हो जाता है, कभी कभी, पूरा नहीं, पहले तो बहुत डिस्टर्ब था, आप लोग तो देखे ही थे, तो पहले था, अभी ठीक है, तो कभी कभी ऐसे हो जाता है, तो आप लोग तो जानते हैं ना कि पुलिस लोग होते हैं जो अलग अलग बैठा के पूछते हैं, उसको अलग बैठाएंगे, उसको अलग बैठाएंगे, घर में घर वालों को साथ में जाने नहीं देंगे, एक सेकंड जहाज चाहे, तो आप लोग तो जानते हैं सारी चीज़ें। और अभी जब ये सही हो जाएगी सब कुछ होगा, फिलहाल में अभी आज से इसका स्टोरी, जैसे मेरा लव स्टोरी चालू हुआ था 25 पार्ट, वैसे आज से इसका स्टोरी चालू हो रहा है, और सारा चीज़ें आपको शुरू से बताएंगी कि क्या क्या इनके साथ हुआ है, क्या नहीं हुआ है। तो और हम देखिए भूल गए, आप पुलिस वाले लोग बैठा के अलग अलग पूछते हैं, तो मान लीजिए दिमाग सही है नहीं पूरा, तो अभी कुछ और बोल दे, बोलना है कुछ और बोल दे कुछ और, तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए हम लोग सोच रहे हैं पूरा अच्छे से अच्छी हो जाए फिर हम लोग कंप्लेन करेंगे, फिर हम लोग FIR वगैरह करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो बोलो सरोज कैसी हो तुम, बताओ। अब तो इस समय ठीक है, पहले तो वो लोग जब भी वहाँ जाते थे थोड़ा सा भी हम बीमार पड़ जाते, अगर बुखार जाता हमारी सास पता नहीं एक कैसा डॉक्टर रखती थी, बस एक ही डॉक्टर को बुलाती थी, वो दवा ऐसा दे देता था जैसे ठीक होने की वजह से और तबीयत ज़्यादा बिगड़ जाता था, तरह तरह का एक बीमारी ठीक दूसरा बीमारी सही हो जाता था, और भी दिक्कत हो जाता था और हमारा दिमाग खराब हो जाता था। अब महिलाओं के अंदर अब क्या क्या बीमारी, अब क्या बताएं खुल कर, प्रॉब्लम ऐसी से हमारी सास करवाती थी कि हम खुद हम खाना बनाने में सोचते थे खाना बनाए किसी तरह, लेकिन जानबूझ कर तबीयत खराब करती थी कि ताकि बढ़िया से काम ना करे, और ये बोली सुने ताकि हम बहाना पा जाएं, भी इसका पति भी मारे ताकि हम भी इसको दो चार बोली बोले, और गंदी गंदी गालियाँ हमारी सास इतनी गंदी गंदी वो भी गालियाँ देती थी, और वो आता था कहता था तुम बहाना करती, तुम्हारा हमेशा तबीयत खराब होता है, तुमको दवा कराते हैं इससे उससे, वो डॉक्टर भी ये आता था उल्टा पुल्टा दवा दे देता था, और कहते थे किसी और डॉक्टर को बुलाने के लिए, दूसरे डॉक्टर को नहीं बुलाते थे, बस वही एक ही डॉक्टर, कुछ भी होता था तो फटाक से बोतल चढ़वा देते थे, हाँ वो ही झोला छाप डॉक्टर आता था, और बस उल्टा कभी भी वह सही से थी नहीं रहता थी, तबीयत नहीं वहाँ पर सही रहता था। तो और पिछली बार जब बाबू हुआ था तो उसके ढाई भी सब जहर खिलाई थी हमारी सास को खाना में मिला कर, ताकि दूसरा शादी अपने बेटे का कर सके, क्योंकि वो कहते थे हमको पढ़ी लिखी बहू नहीं चाहिए, पढ़ी लिखी रहती है तो ज़्यादा दिमाग ला रहती है, बेटा को हमारे बस में कर लेती थी, इसीलिए वो पढ़ी लिखी बहू नहीं चाह रही थी, शुरू से ही जलती थी हमारी सास और बेटा को भड़काती रहती थी। और तुम्हारी ननद पढ़ी नहीं है क्या? नहीं, वो सिर्फ साथ ले पढ़ कर पढ़ रही थी, इसीलिए छोड़वा दी अपनी बेटी का पढ़ाई, कहती है कि बेटियों को नहीं पढ़ाया जाता है, ज़्यादा ऐसी हो जाती है उस तरह हो जाती है सब, ज़्यादा ससुराल में भी जाएगी तो चलता चलाने लगेगी, और हम दूसरों को कहती कि अपने आप को बड़ा इस होशियार इंटेलिजेंट समझने लगेंगे, क्योंकि इसीलिए अपनी बेटी का पढ़ाई छोड़वा दी, हमारी बेटी जो हुई कहते हैं कि सब पढ़ाने के लिए नहीं कहते हैं, सब कहते हैं कि उसको पढ़ाएंगे तो बिगड़ जाएगी, यहाँ जाएगी वहाँ घूमने जाएगी, लड़कियों को बस खाना बनवाना चाहिए घर पर रखना चाहिए, पढ़ाया नहीं जाता है। जब एक बार वह जहर खिलाई थी, जैसे अभी एक भी बच्चा नहीं था पेट में, उस समय उनको नहीं मालूम था, हम उन सबको मालूम था कि शायद इसका बच्चा है, तो सब मारने की कोशिश किए थे, तो जहर तो खा ली थी तो कहा, लेकिन हम डॉक्टरी में समय से पहुंच गए और हमारा बच्चा भी बच गया, हम भी बच गए, लेकिन वो ये भी हम पहुंचे नहीं होते, हम अपने ससुर यहाँ पर नैहर में फ़ोन किए चोरी छिपे, किसी का मोबाइल जंगला रहा मंगवाए,
और तब चोरी छुपे हम फोन किए। उसके बाद हमारे घर वाले लोग पहुंचे बचे, नहीं तो अगर आधा घंटा और लेट हुआ होता तो हमारा बच्चा भी खत्म हो गया होता है। वो जो सब्जी में मिला के, सब्जी में जो छिड़काव होता है खेत वाला जहर, वही था। और साग था, चौराई का साग था, गर्मी का दिन था ना, चौराई का साग था, उसी में जहर मिला के इनको खिलाया गया था। रोटी था, साग था, ये कटोरी में रखी थी, वो चीज़ हम लोगों ने पॉलिथीन में करके डीएनई टेस्ट के लिए जो होता है सदर हॉस्पिटल हम लोग गए थे, सदर से रेफर किया, मेडिकल गए तो मेडिकल में 4 दिन एडमिट थी। हम लोगों ने उसको एक मौका, एक चांस दिया कि बच्चा रह गया है। उस समय पता चला हम लोग कि ये प्रेग्नेंट है। हम लोग सोचे कि बच्चा रह गया है, हो सकता है अब सुधर जाएगा, अब नहीं मारेगा, अब नहीं पीटेगा। अब बच्चियों का बार बार शादी तो होता नहीं है, यही होता है कि एक दो मौका दिया जाता है कि वो सुधर जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बाबू होने के बाद 2-3 बच्चा इसकी सास जो है दवा खिला के गिरवा दी, नुकसान करवा दी। जितनी बार वहाँ ये रहती थी, बच्चा जब होने को रहता था तो पता नहीं क्या होता था, बच्चा गिर जाता था, मतलब बच्चा नुकसान हो जाता था, मर जाता, पेट में ही बच्चा मर जाता था। और वही क्या मिला देती थी उसका दिया हुआ, हम जो भी कुछ खाते थे 2 दिन के बाद बच्चा नुकसान हो जाता। उसके बाद और यही चीज यहाँ पे आती थी, बाबू भी यहीं पे हुआ है, बहनी भी यहीं पे हुई है। मतलब आप लोग ही बताइए, मतलब इतना ज्यादा तकलीफ, इतना ज्यादा, ऊपर से एक कमजोरी जो था उसकी बहन का ये पकड़, इतना इस बार क्यों हुआ है आप लोग को हम बता देते हैं। उसकी जो सिस्टर, इसकी जो ननद है, वो गांव का ही कुछ है, मतलब कोई लड़का उड़का से चक्कर है उसका, तो ये पकड़ ली थी, वीडियो बना ली थी। और इसका पति इसके ऊपर विश्वास नहीं करता था, तो ये फ़ोन करके बोली कि मैं वीडियो बना के रखी हूँ, वीडियो अपने पति के मोबाइल पर भेजी। बोला ठीक है, अपने मोबाइल में से वीडियो डिलीट कर दे और मैं घर पे आ रहा हूँ तो बताऊँगा। ये बोली कि बताओ। हाँ, तो उसने कहा कि तुम वीडियो डिलीट कर दो, मैं इसको आऊँगा तो बताऊँगा। तो मैं वीडियो डिलीट कर दी, कि हम सोचे चलो जब इसे देख जान गया तो अब विश्वास हो गया है। घर पर आने पर अपनी बहन को एक झापड़ भी नहीं मारा और दरवाजा बंद करके इसका मोबाइल लेकर के तोड़ दिया, और दरवाजा बंद करके इसको पता नहीं कौन सी अवस्था में कैसे कैसे मारा था इसको पता ही। कहा तुम अपनी घर नैहर में भेजी हो क्या बेटी? तो हम कहे पर नैहर में वीडियो नहीं भेजे थे। कह रहा था नहीं, तुम झूठ बोले, नैहर में भेजी हो बेटी, हमारी बहन को क्यों झूठ मूठ में तुम ऐसा वीडियो बनाया? जो सच्चाई था वही ना सामने ले आते, झूठ मूठ में कोई वीडियो बनाया? और वीडियो मेरे पास है, आप लोग से मैं बता दूं, वो वीडियो मेरे पास है, मैं रखी हूँ वीडियो। कभी वैसा जब नौबत आएगा तो मैं आप लोग को वीडियो दिखाऊंगी कि खुद उसके घर के लोग कैसे हैं, उसकी सिस्टर कैसी है, उसकी माँ कैसी है, वो लोग खुद कैसे हैं। और दूसरे को आप लोग समझ सकते हैं, दूसरे को अपनी बेटी बेटी होती है और दूसरे की बेटी बेटी नहीं होती है, तो गलत है ना। तो आप लोग खुद देख सकते हैं किसका शरीर कैसा है, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। इसका देवर जो आया था, अरे बाप रे बाप, कितना गाली दे रहा था हम लोग के सामने, इतना हम वीडियो बना के डाले ही थे, आप लोग तो देखे ही थे। इसका जो देवर था वो भी आया था, वीडियो बना के हम लोग डाले थे, जानते हैं। जब आया था तो बहुत अच्छे से नॉर्मल से बात किया, और जैसे बात पोल खुला हम लोग बोले कि इतना दिन से दवा। अच्छा सरोज, कितने दिन से तुम खाना नहीं खाई थी? जब गए थे तो 20 दिन अच्छे से रखे थे, जब 20-25 दिन बीतता है तो खा पता नहीं क्या सब कर देते हैं सब। हमारा अक्सर वहाँ तबीयत खराब हो जाता है, बुखार होता है, तो कभी उल्टी, कभी पेट में दर्द होता है, तो कभी पेट के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ी होती रहती है, खाना नहीं पचता रहता है, कुछ ना कुछ वहाँ पर होता रहता है, पता नहीं ऐसा लोग क्या हमारी सास करवा देती है। चलिए मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, मतलब इनका पूरी सच्चाई आपको वीडियो के जरिए पता चलेगी, जैसे जैसे इसको याद आएगा ये बताएगी। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, फिलहाल सरोज एक गाना सुना दो। दिल देता है रो रो दुहाई, किसी से कोई शादी न करे। ओ दिल देता है रो रो दुहाई, किसी से कोई शादी न करे। बड़ी महंगी पड़ेगी जुदाई, किसी का कोई लाइफ भरे बाद न करे। आप लोग समझ सकते हैं जिसका दिल टूटता है, विश्वास टूटता है, वो कैसा होता है। तो ऐसे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर कल मिलते हैं। बाय करो सरोज। बाय। बोल दीजिए भैया लोग आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है। भैया लोग आप लोग को मेरा वीडियो कैसा लगता है? अगर अच्छा लगता है तो प्लीज, अगर मेरी छोटी सी ननद से आप लोग पूछ रहे थे सरोज आपकी कौन है, जो लोग नहीं जानते तो मैं बता दूँ, बेटी भी है और ननद भी है। तो
आप लोग से मैं बता दूं, इसका कन्यादान मैं की हूँ, तो बेटी भी है और ननद भी है, रिश्ते में ननद है लेकिन दिल से बेटी है। तो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।